नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी से जुड़े हुए रहस्य आपको इतना हैरान कर देंगे कि आपको वाकई में पता चलेगा जो ग्रहों की दशा है वो वाकई जिंदगी पर कितना असर डालती है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवाल करती हूँ या फिर पास बैठे हुए लोग या उनको सुनकर या फिर थोड़ा बहुत टीवी प्रोग्राम देखकर मुझे ये पता चलता है कि लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी पर यकीन तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, कहाँ किससे मिलें। तो ज्योतिष, जो ज्योतिष के माहिर हैं, जो ज्योतिष के ज्ञानी हैं, इसे साइंस भी कहते हैं। ये साइंस के अंदर की साइंस है। तो जैसे कि हमारे प्रोफेसर गुरदीप राणा साहब ही हैं, ये भी बोलते हैं ये ज्योतिष एक गहरा समुंदर है, ये ज्ञान का भंडार है। तो थोड़ा सा ज्ञान का भंडार वो बांटते हैं, बांटते बांटते कुछ कम हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल बातों पे आ जाते हैं। और जितने ज्योतिषी हैं, जितने भी ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, आज वो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी जो हैं वो ज्ञान का भंडार खोलने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि बहुत सारे योगों के बारे में भी, जैसे कि लोग कहते हैं राय योग है या बुद्ध आदित्य योग है या फिर मार्केश है कुंडली में, बहुत सारी बातें आज हम उनसे चर्चा करेंगे, बहुत सारा खजाना आज हम उनसे लूट लेंगे। तो पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब का स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब। कहते हैं कि रिश्तों की कदर जो है वो पैसों की तरह करनी चाहिए। इन दोनों को कमाना बड़ा मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान। तो हम आपकी कदर करते हैं, आप अपने परिवार की कदर करते हैं, क्योंकि आप परिवार में, इसलिए बोल रही हूँ, आप कभी क्लाइंट नहीं कहते, कभी कस्टमर नहीं बोलते, आप हर बार यही बोलते हैं ये मेरा परिवार है। आप उनकी कदर करते हैं, वो आपकी कदर करते हैं, और जब तक आपका प्रोग्राम ना आए तब तक उनको हड़बड़ी सी लगी रहती है। तो फ़ोन करते हैं, बहुत सारे कॉल्स जो हैं आपके स्टाफ को आती हैं कि आज प्रोफेसर साहब का जो प्रोग्राम है वो नया क्यों नहीं आया। तो आज नया तो आता है। प्रोफेसर साहब, आप बहुत ज्ञान बांटते हैं, तो ज्ञान बांटते हैं और जितने भी ज्योतिषी बनना चाहते हैं लोग, वो चाहते हैं कि आप उनकी क्लासेस लगाइए, लेकिन आप टीवी पर ही ये बातें बोलते हैं कि मैं जो है वो ऑनलाइन क्लासें नहीं लगाता, मैं सबको ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। तो बात आती है प्रोफेसर साहब, आज थोड़ा सा ज्ञान जो है हम आपसे लूटेंगे, थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि लूटेंगे इसलिए आप कुछ नहीं बोलते, मतलब एंड तक आपकी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। तो आज बात आ गई कुंडली के ऊपर। कुंडली क्या कहती है हमारी? कुंडली ये कहती है कि कुंडली में मार्केश भी होता है, जो आप कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। तो प्रोफेसर, अगर मार्केश, आप दूसरा और सप्तम घर, इसको मार्केश बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी जो है वो सप्तम घर को मार्केश नहीं बोलते, तो आप इस पे एक्सप्लेन कीजिए कि मार्केश कौन कौन से घर होते हैं और कौन कौन से घर हमारे अच्छे होते हैं और कौन कौन से घर हमें बुरा प्रभाव देते हैं। बहुत सब कुछ शेफाली जी, आपने आज आपने बात की मार्केश की, सप्तम घर का मालिक मार्केश होता है, कुछ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते। दूसरा घर, वैसे मैं बता दूं सप्तम घर मार्केश ही होता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन हमारे पहले मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, ताकि विस्तार से इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमारे तीन तरह के जो लग्न होते हैं, तीन तरह के लग्न होते हैं, चार स्थिर और द्विष्भाव। चार लग्न चलायेवान, जो चलते हुए काम करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, और उसके बाद आ गया स्थिर लगन, जो बैठ के काम करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं स्थिर द्विष्भाव लगन, बैठ के भी काम करना पसंद करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, चलते फिरते भी कामयाब हो जाते हैं, वो लगन हैं। मैं आपको बताता हूँ तीन तीन तरह के लगन, सभी तरह के लगन होते हैं। जैसे एक नंबर लगन, जैसे मेष लगन, एक नंबर लगन वो चार लगन होते हैं, हमेशा चलते फिरते काम करें और कामयाब हो जाते हैं। स्थिर लगन में वो बहुत कम कामयाब होते हैं। उसके बाद हमारे चार लगन कौन कौन से होते हैं, पहले मैं बता दूं, एक नंबर राशि, चार नंबर राशि, सात नंबर राशि और दस नंबर राशि। ये तीन चार लगन हैं हमारे, जो कि चार लगन होते हैं। उसके बाद आते हैं स्थिर लगन। स्थिर लग्न कौन कौन से होते हैं? दो नंबर राशि, पाँच नंबर राशि, आठ नंबर राशि और ग्यारह नंबर राशि। ये स्थिर लग्न होते हैं। उसके बाद आते हैं द्विष्भाव लग्न, जो बैठते भी हैं और चलते भी हैं, दोनों तरफ के काम करने में सफल होते हैं, वो लग्न है तीन नंबर राशि, छः नंबर राशि, नौ नंबर राशि और 12 नंबर राशि। पहले मैं राशियों का विस्तार क्यों किया, किस लिए किया, बहुत बारीकी में बताने वाला हूँ आप सबको मैं।
क्योंकि बारीकी में नहीं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर इन बातों को नहीं लेता जो मैं बात बताने वाला हूँ, क्योंकि इनको इग्नोर ही ज़्यादातर करते हैं। चार नंबर का जो चार राशि होती है, चार राशि का जो बाधक होता है, जो काम को बाधता है, वो ग्यारहवें घर का मालिक होता है। ग्यारहवें घर में कौन सी राशि आ गई, वो चार लग्न का बाधक माना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मेरी नी है ना, जो मैंने स्टडी की थी, वो नी है ना, जो मेरी जड़ है ना ज्योतिष में, वो जड़ बहुत गहराई वाली है, क्योंकि मैं अपनी नीम को पूरा जकड़ के रखता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए, मेरे को पता चलता है कि ज्योतिष अगर आपको जड़ के बारे में बारीकी नहीं आएगी, जैसे कहते हैं ना, आपने नर्सरी क्लास नहीं की और एक क्लास नहीं की और दसवीं क्लास में आप जाके कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि जो नी आपने छोड़ दी थी उससे आपको पता नहीं चलेगा किसके साथ मात्रा पड़ती है, किसके साथ शक नीचे बिंदु पड़ता है। ये सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही आता है, और एकदम से टेंथ क्लास करते हो उसमें तो फंडे ही रह जाते हैं। तो बारीकी जो होती है, बहुत बहुत बारीकियाँ ज्योतिष में वो जानने वाली होती हैं, सबसे छोटी क्लास में नी आपकी पक्की होनी चाहिए। चार नंबर कौन कौन सी राशियाँ मैंने बताया, 1, 4, 7, 10, इसका यानी कि एक लगन, चार नंबर लगन यानी कर्क लगन, 7 तुला लगन और मकर लगन, इसका बाधक जो बांधता है कामों को वो है ग्यारहवें घर का मालिक। और 2 नंबर लगन, 5 नंबर लगन और 8 नंबर लगन और 11 नंबर लगन, इसका बाधक होता है 9वें घर का मालिक, भाग्य का मालिक बाधक होता है, अगर ये लगन होते हैं तो। अब सुन के हैरान हो जाओगे, भाग्य किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो तो त्रिकोणों के मालिक है, तो बाधक भी बन गया। देखिए, ये है ज्योतिष हमारी, जो बारीकियाँ जानना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से जानिए। फिर उसके बाद आता है बाधक हमारा कौन कौन से लगन, द्विष भाव का लगन का मालिक, जैसे कि द्विष भाव का मालिक 3 नंबर लगन यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, जो मीन लगन होता है, इसका बाधक बनता है 7वें घर का मालिक, यानी कि 7वें घर का मालिक मार्केश भी है इन लग्नों के लिए और बाधक भी है। जैसे कि शिफाली जी ने पूछा, कहते हैं कि 7वें घर का मालिक बाधक नहीं होता, तो कईयों का कहना है, वैसे कई तो शास्त्रों की बातें करते हैं, किताबों की बातें करते हैं, मैं किताबों की बात नहीं करता, मैं तो अपना अनुभव 25 साल का अनुभव आपके आगे रखता हूं, ताकि आपको पता चले शेफाली जी वाकई में ज्योतिष ये इतनी गहरी है, इतना बड़ा समंदर है जी। 7वें घर का मालिक बाधक क्यों माना गया है, आप ओपोजिशन में खड़े हो, आपके बराबर में ओपोजिशन में कोई भी इंसान खड़ा है तो ज़्यादातर तो यही होता है, वो मर जाए, खप जाए, वो हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊँ। 7वें घर तो फिर वाइफ का भी आता है, 7वें हाउस तो बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का और हमारी लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो उसको मार्केश बताया गया है। देखिए, तो 7वें घर का मालिक मार्केश, अगर कहीं 7वें घर की राशि दूसरे घर में राशि आती है तो समझ लीजिए ये प्रबल मार्केश है। 7वें घर में एक राशि आ जाए, वही राशि उसकी दूसरी राशि और दूसरे घर में आ जाए, जैसे कि मेष लगन में शुक्र प्रबल मार्केश है, यानी कि उसकी दूसरी राशि दूसरे घर में 2 नंबर राशि पड़ी है, 7वें घर में 7 नंबर राशि पड़ी है, देखिए प्रबल मार्केश होता है। और जैसे कि मान लीजिए, हम कहते हैं ऐसी ही राशियां, अगर आपकी 7वें घर में राशि आती है और दूसरी राशि कहीं भी, त्रिकोणों में तो नहीं आ सकती, दूसरी राशि कहीं 4थे घर में या 10वें घर में या किसी 12वें घर में या 8वें घर में, जैसे कि मकर राशि आ गई मान लीजिए 7वें घर में, तो उसकी दूसरी राशि तो कुंभ राशि 8th हाउस में आएगी, तो ये मार्केश ही माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी धनु राशि, जैसे कहते हैं कि कुंभ राशि आ गई 7वें घर में, तो मकर राशि 6th हाउस में आ गई, ये भी मार्केश ही माना जाएगा, क्योंकि बुरी एक बुरे घर में पड़ी है, तो वो जो कहते हैं ना दूसरे घर का मालिक,
और बारहवें घर का मालिक न्यूट्रल माना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें या तो शास्त्रों में मिलेंगी हमारे, या फिर मैं यहाँ पे बैठ के आपको फ्री में ज्योतिष बता रहा हूँ। दूसरे घर का मालिक और बारहवें घर का मालिक ये न्यूट्रल माने जाते हैं। अगर इसकी राशि अगर त्रिकोणों में आ जाए तो दूसरा घर में अगर कहीं दूसरी राशि दूसरे घर में या बारहवें घर में अगर बुरी राशि अगर अच्छी मान लीजिए शुक्र की राशि बारहवें घर में पड़ी है, शुक्र की राशि अगर त्रिकोण में आ जाती है तो फिर वो बुरी राशि नहीं मानी जाएगी। अगर मान लीजिए मंगल की राशि बारहवें घर में पड़ी है या दूसरे घर में पड़ी है, उसकी अगर राशि आपके त्रिकोणों में आ जाए केंद्र में आ जाए तो बुरी राशि नहीं मानी जाएगी। दूसरी राशि को देख के निर्णय किया जाएगा ये अच्छी राशि है या बुरी राशि है। इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो ज्योतिष नहीं जान पाओगे जिंदगी भर। कहते हैं अगर आपको बेस नहीं आता, बेसिक ज्योतिष नहीं आती तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि शेफाली जी ने बहुत बारीकियाँ पूछनी चाहिए, सुबह सुबह आके मेरे से पूछने लगे प्रोफेसर साहब ये चीज़ ऐसी होती है ऐसी होती है। मैं कहा शेफाली जी आपको बारीकी में बताऊंगा, कुछ भी पूछिए लेकिन कैमरे के आगे जी, क्योंकि कैमरे के आगे मुझे ऐसा लगता है कि आपको बारीकियाँ मुझे बताना मुझे भी अच्छा लगता है। जी जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहूँगी, आप जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं बन सकता। चलो, बहुत सारे माहिर ज्योतिषी भी बैठे हैं। तो प्रोफेसर, एक बात आती है कि आपने बोला कि चर लगन एक नंबर, चार नंबर, सात नंबर राशि और दस नंबर राशि। अगर प्रोफेसर तुला लगन की बात की जाए तो अभी आपने बोला कि चर लगन में ग्यारहवें घर का मालिक जो ग्यारहवें घर का लॉर्ड है वो बाधक है। जी बिल्कुल, तो सात नंबर अगर तुला लगन है तो ग्यारहवें घर का लॉर्ड बना उनका सूर्यदेव, तो सूर्यदेव तो किसी का बुरा नहीं करते, तो उस घर के क्या वो बाधक बन गए, उस लगन के बाधक बन गए? बिल्कुल शेफाली जी, सूर्य कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये बिल्कुल सही है। कोई भी लगन का किसी लगन का बुरा नहीं करते। चलो ये चीज़ें मैंने को बतानी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये है MD, जैसे कहते डबल MA की ऊपर की स्टडी है ये जी। और आप हो नर्सरी फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ के, कई कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ज्योतिषी कहते हैं मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी मानता हूँ, तो वो सिर्फ सातवीं आठवीं में ही पढ़ता है, इससे ऊपर नहीं। मैं भी MA तक नहीं पहुँचा। ये MA का सवाल है और ये मैं सवाल बताना नहीं चाहता था, चलो बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ सबको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, एक कायनात में सूर्य ही है पूरी दुनिया को जो जीवित रखता है, इसलिए वो किसी का बुरा नहीं हो सकता। लेकिन भाग्य में जब कुंडली लेकर आता है इंसान, उसमें सूर्य बुरा होता है। जैसे कि इन्होंने बोला चार लगन, सात नंबर लगन आ जाए तो ग्यारहवें भाव का मालिक बनता है सूर्य, तो वो उसके लिए बाधक ही है शेफाली जी। उसके काम जितने भी बनेंगे रुकावटें दिन में ही होंगी जी। रात को उसके काम बहुत जल्दी, जैसे ही सूर्य ढलना शुरू हो जाएगा उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे जी। और ये तो मैंने बोला डबल MA का सवाल है, इसके बारीकियां बहुत आगे हैं जी। प्रोफेसर आपकी बातें वैसे ही बहुत बढ़िया होती है और वाकई ऐसा ही होता है। और शेफाली जी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बारीकियां तो बताऊं लेकिन उसको बताऊं जिसको समझ आए, पर ये बारीकियां नहीं समझने वाले, लेकिन कोशिश करूंगा शेफाली जी। आपको आप यही चाहते हो जी? जी प्रोफेसर, फिर आप क्लासेस कब से लेनी शुरू कर रहे हैं? तो आपके स्टूडेंट की बढ़ोतरी तो बहुत हो जाएगी, अभी आप अनाउंस कर दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम आपका लाख दो लाख स्टूडेंट तो अभी बैठा ही होगा जो आपसे समझने के लिए तैयार है। शेफाली जी बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद पैसा ना कमाऊँ। वैसे भी आज की दौर में अगर मैं बोलूँ कि मैं ज्योतिष सिखाने वाला हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो बहुत पूरी दुनिया मेरे पास आ जाएंगी सीखने के लिए, लेकिन मैं ऐसे पैसा नहीं कमाना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको चैनल के जरिए पूरी दुनिया को ज्योतिष सिखाऊं। वैसे कुछ लोगों ने मेरे को बोला है कि आप CD तैयार कीजिए, आप अपनी वो तैयार कीजिए, इंस्टीट्यूट वाली CD हम खरीदेंगे, पैसा कमा सकते हो, लेकिन अभी मेरा समय नहीं आया। समय इसलिए नहीं आया, मैं चाहता हूं अभी मैं पूरी दुनिया को सिखा दूं, अगर आपको ना समझ आए लास्ट में फिर मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा, फिर मैं सिखाऊंगा, अभी समय नहीं है। समय के मुताबिक अगर कुछ भी इंसान करता है तो वो होता है जी। प्रोफेसर साहब आपके पास हर चीज का हर बात का जवाब है। तो प्रोफेसर साहब अगर चर लगन की ही बात करूं, जैसे कि मान लीजिए मेष लगन है, आपने बोला कि चर लगन में ग्यारहवें घर का लॉर्ड जो होता है उसका बाधक होता है, तो अगर मेष लगन की बात करूं, ग्यारहवें घर का लॉर्ड हो गया शनिदेव, अगर शनिदेव ही 11th हाउस में आ जाए क्या उसके बाधक ही होंगे?
शेफाली जी, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाधक तो बाधक ही माना जाता है। ग्यारहवें भाव, लाल किताब कहती है लल्लू करे कवलियाँ रब सदियाँ पावे, ये पंजाबी की कहावत है हमारी। इसलिए जो ग्यारहवें घर का लॉर्ड है वो चाहे कहीं भी बैठ जाए वो बाधक ही होता है। कौन से घर में बैठा कब बाधक करेगा, इनके रात को काम बांधते जाएंगे, जितने भी रात को काम होंगे वो कभी पूरे नहीं होंगे मेष लगन वालों के, जितने भी रात के काम होंगे। चलो ये तो मैंने बात की तो पूरी की, बातें चल रही थी हमारी। जो मार्केश होता है, मार के सप्तम भाव का मालिक, उसकी राशि अगर कहीं भी बैठती है, अगर अच्छी राशि बैठती है, अच्छे घर में बैठती है, तो मार्केश का असर कम होता है, लेकिन मार्केश ही माना जाता है। देखिए बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर हम किसी भी बात को देखिए कुंडली के मुताबिक लगन का मालिक, अगर लगन का मालिक कहीं भी बैठता है, जैसे कि अष्टम का दोष बोलते हैं, पराशर ज्योतिष कहती है लगन का मालिक अगर अष्टम में भी आ जाए उसको दोष नहीं लगता। एक घर है जो घर का मालिक है वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, उसको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, अगर आप कुंडली के बारे में नहीं जानते, बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जान पाओगे तो कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कितनी डिग्री में ग्रह बैठा हुआ है, लगन कितनी डिग्री का है, सूर्य से कितनी दूर है। जैसे कि शेफाली जी बोलने वाले थे मेरे को, कहते थे प्रोफेसर मुझे ये बताइए अगर सूर्य 25 डिग्री का हो या शुक्र मेरा 7 डिग्री का हो या 8 डिग्री का हो तो कहीं वो सूर्य की कहते हैं मार में आ जाता है तो स्किन प्रॉब्लम उसे तो नहीं होगी, कोई उसे सूर्य अस्त नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ शेफाली जी, बहुत ध्यान सुनिए। 30 डिग्री का हमारा एक डब्बा है, 30 डिग्री का मान लीजिए एक मकान है जिसमें 30 कमरे हैं जी, बहुत ध्यान से सुनिए। और मान लीजिए मैं 25वें कमरे पे बैठा हुआ, 25 रूम में बैठा हुआ हूँ, जो मेरे कानों की आवाज़ है, जो मेरी फ्रिक्वेंसी है वो 15 डिग्री यानी कि 15 कमरों तक जाएगी जी, यानी कि 10 कमरे तक पीछे जाती है और 5 कमरे आगे और उससे भी आगे 10 कमरे, यानी कि 15 डिग्री पीछे सूर्य देखता है, 15 डिग्री आगे सूर्य की रेज 15 डिग्री तक जाती है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उन एस्ट्रोलॉजियों के लिए, उनके लिए जो कहते हैं शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है, शुक्र अस्त हो गया। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, अगर शुक्र बैठा हुआ है 7 डिग्री का, भाई बहुत ध्यान से सुनिए, तो सूर्य 25 डिग्री का बैठा हुआ है तो सूर्य अस्त, शुक्र अस्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य देव की जो रेज है, मान लीजिए जो उसकी पकड़ है वो 15 डिग्री तक ही है, उसके बाद वो नहीं होती। इसलिए ज्योतिष को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेफाली। जैसे कहते हैं पराक्रम, आपने सवाल पूछा था मुझे सुबह सुबह, क्या सवाल पूछा था आपने जी? मैंने सवाल किया था प्रोफेसर, जैसे पराक्रम, जोश, मेहनत हम करते हैं, लेकिन उस फल, उस घर का फल, पराक्रम का फल हमें कौन से घर से देखना पड़ेगा या तीसरे हाउस से ही देखना पड़ेगा? शेफाली जी ने ये मुझे क्वेश्चन सुबह किया था, मैंने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया, मैं चाहता था उसका जवाब आपको साइंटिफिक रीजन से टीवी के सामने ही दूं। चलो मुझे ये बताओ तीसरा हाउस किसका होता है पराक्रम का, क्योंकि हमें लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर हमें क्वेश्चन आते हैं, हमें क्वेश्चन पुट करते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए कि आपका जो ये बताइए कि आप ये कुंडली के मुताबिक बताइए पराक्रम जोश का घर कौन सा है, जोश का घर कौन सा है कुंडली के मुताबिक। चलो बता ही देता हूँ कुंडली के मुताबिक जोश का घर कौन सा बनता है। देखिए जोश एनर्जी हम किससे लेते हैं, जोश जोर लगाते हैं हाथों से, यानी कि तीसरा हाउस हमारे जोश का होता है, एनर्जी का होता है, जिसे पकड़ के खींचते हैं, जोर लगाते हैं, ठीक है। मालूम है तीसरा हाउस मैंने क्यों, कंधे का तीसरा हाउस से कंधे ही देखे जाते हैं, ठीक है, गला दूसरे हाउस से देखा जाता है, तो वैसे तो 3 नंबर राशि आती है यहाँ से, दूसरा हाउस ये, दूसरा हाउस आंखें भी दूसरे और बारहवें हाउस में देखी जाती है, वो बात की बात है। बहुत एक कुंडली का फेस बना लिया जाए, एक कुंडली का घर बना लिया जाए, एक कुंडली का पूरा शरीर बना लिया जाए, ये सब कुछ कुंडली से हम सब कुछ बना सकते हैं। एक कुंडली से पूरा शहर भी बनता है, एक कुंडली से पूरा देश भी बनता है, चलो वो बात की बात है। लेकिन अगर हम देखा जाए जोश एनर्जी तीसरे हाउस से आती है, अब बहुत सुनने वाली बात है,
जोश लगाते हो, सुख किस हाउस से देखा जाएगा? फिर बता दूं, छठे हाउस से। शेफाली जी, छठे हाउस से जोश का सुख देखा जाएगा जी। अगर पराक्रम करते हो, छठा हाउस पता किसका होता है? जब नौकरी मिलती है तो छठा हाउस ही आपको देता है, भाग्य जगाता है। नौकरी का भाग्य, कर्म का भाग्य छठा हाउस। दूसरा, छठा और दसम हाउस ऐसे ही नहीं जागते। जब आपकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो ये तीनों घर जाग जाते हैं। देखिए, जब तक छठा हाउस नहीं जागेगा, पराक्रम का सुख नहीं ले पाओगे आप। ये सभी घर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सभी घर। चलो बताओ मुझे, आप सबको ही अगर मैं एक सवाल पूछूं, सबसे पूछता हूं, सबसे, किसी को नहीं पता होगा, मेरी गारंटी है। अगर मैं पूछूं, बताइए आप, मान लीजिए आपने आपके फादर ने एक मकान दिया, क्या उसका लाभ होगा या नुकसान होगा? ठीक है, बताइए वो किस हाउस से देखा जाएगा? कोई नहीं बता पाएगा शिफाली जी। सभी बोलेंगे फोर्थ हाउस, दूसरा हाउस से, फोर्थ हाउस से। नहीं, वो आप 11वें भाव से दे सकते हो। अगर आपको पुश्तैनी, ज्यादातर हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस का सुख स्तर बनता है 11th हाउस। देखिए शिफाली जी कितनी गहरी है एस्ट्रोलॉजी जी। अगर कहा जाए कि मतलब कि हमें पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी मिलती है वो अष्टम हाउस से मिलती है, लेकिन उसका सुख स्थान हम 11th हाउस देखेंगे। तो 11th हाउस, वही बात आ गई, मैंने बात क्यों छेड़ी पता है आपको जी? बाद जी तड़पाए, अगर तो अगर उसमें कोई ग्रह ऐसा केतु को तो बैठा है तो तड़पाएगा जी। लेकिन वो तड़पाएगा तो जरूर जी। लेकिन शिफाली जी ये बात समझिए, आप बोलते हो कि हमें 11वां भाव बाधक भी है, 11वां भाव हम मार्केश अगर बैठ जाए उसकी दूसरी राशि तो मार्केश ही बन जाता है जी। ऊपर से हमें पुश्तैनी जायद मिल जाए तो वो 12वां भाव बाधक है, तो वो पुश्तैनी जायद का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर वो बाधक हुआ तो नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो एस्ट्रोलॉजी बन गए, इतना बारीकी ज्ञान है। कभी कभी मैं भी ये बोलता हूँ, सभी एपिसोड में बोलता हूँ, मुझे नहीं आता भाई। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा है, इसको खोज करनी पड़ती है किताबों से नहीं। शेफाली जी मुझे बोलते थे परसों, 3-4 दिन की बात है, प्रोफेसर साहब मुझे पढ़ाते नहीं क्योंकि इनकी आदत है बहुत कुछ नया सीखूं। मैंने कहा तू सवाल पूछ, उसका जवाब मैं तेरे को साइंटिफिक रीजन से दूंगा। अगर तू पढ़ने वाली बातें करेगी, मैंने पढ़ना है तो पढ़ के तो मैं ये पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता, तो ये कितना कुछ पढ़ लेगी। जितने भी दुनिया में इंसान है, ज्योतिष की किताबें पढ़ते जाइए, जैसे कि बड़े बड़े संतों ने भी लिखा है, ग्रंथों का बोझ सिर के ऊपर लद के जैसे गधे के ऊपर लदा होता है ऐसे पढ़ के घूमते हैं। तो ऐसे नहीं बनना, आपने प्रैक्टिकल कीजिए, सर्च कीजिए, जिससे आपकी ज्योतिष बहुत बढ़िया हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि प्रैक्टिकल कीजिए, अगर प्रैक्टिकल करने की बात करें तो प्रोफेसर फिर किताबें झूठी लगती हैं कई बार, तो ऐसा लगता है कि जो किताबों में लिखा गया है वो प्रैक्टिकल करने से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। शेफाली जी एक बात और बताऊं, मैं सबको, आप सबको बताता हूं, प्रैक्टिकल की बात करूं तो किताबें हैं सतयुग की जी, अभी चल रहा है कलयुग। कल सतयुग में अगर कोई इंसान पैदा होता था उसे नहीं पता होता था झूठ क्या चीज है जी। कलयुग में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता होता सच क्या चीज है। ये शिवाली जी बातों में आई बात मैंने बोली, अगर कहीं देश काल परिस्थिति को आप जान के आप फैसला करते हो, किसी कुंडली को देखते हो, तभी वो स्टीक बैठती है, नहीं तो नहीं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि सतयुग की बातें, कलयुग की बातें, तो प्रोफेसर अभी आती है मार्केश की बात। तो हम बातें कर रहे थे क्योंकि आपकी बातें बहुत आगे की आगे निकल जाएंगी, एपिसोड वहीं का वहीं रह जाएगा। तो प्रोफेसर मार्केश, आपने बोला कि कुंडली का मार्केश सप्तम हाउस,
तो प्रोफेसर, अगर हम कभी शादी विवाह की बात करें या घर में कहीं बहू लाने की बात करें, तो प्रोफेसर मतलब अगर मार्केश, अगर मान लीजिए मेष लगन ही है कुंडली में, तो अगर सप्तम घर का या फिर शुक्र की या फिर जैसे कि तुला लगन की अगर लड़की हम अपने बेटे के लिए ले आए, तो वो बढ़िया रहेगी या नहीं बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो तो मार्केश हुआ, तो उसकी बनेगी या नहीं बनेगी? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के मन में भी होंगी कि अभी आपने तो बता दिया मार्केश, अगर जिन जिन लोगों की शादी हुई हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ना कि अगर मेष लगन है तो तुला लगन उसके लिए बेटर है या नहीं है? बहुत सारे सवाल जी आपने, अगर कहीं लगन आपका जो चल रहा हो, मान लीजिए आपका मेष लगन है, तुला लगन की आप वाइफ लेके आते हो, तो उसका भी सप्तम हाउस देखिए ना कहाँ पड़ता है, उसके सप्तम हाउस में भी मेष राशि पड़ती है। अगर आप ऐसा करते हो तो शादी बहुत बढ़िया होती है। जैसे कि मान लीजिए आप कन्या लगन की लड़की लेके आते हो, तो मीन लगन का वर, अगर आप मीन लगन के हो तो कन्या लगन की लड़की आ रही, तो भाग्य में जो लिखा था वही तो लेके आ रहे हो। भाग्य में लिखा था कन्या लड़की नाम की लड़की आएगी, लगन की लड़की आएगी, तो उसका कन्या लगन है, तो आपके सप्तम भाव में कन्या राशि थी, तो भाग्य में जो लिखा था वही लेके आते हो, तो बहुत बढ़िया होता है। ये संयोग बहुत कम मिलते हैं। जब भी मैं कुंडली मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो जब वो बोलते हैं प्रोफेसर हमारी कुंडली मिलाइए, ये लड़के की कुंडली ये है, लड़की की कुंडली ये है, तो दोनों की कुंडली में अगर सप्तम भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक मिल रहा है, तो समझ लीजिए लकी पर्सन है, जो भाग्य में लिखा था वही लेकर आ रहे हैं घर में। तभी तो हमारे पुराने पुरोहित बुजुर्ग कुंडलियां मिलाया करते थे, लेकिन वो जब कुंडलियां मिलाते थे तब वो दिन कहते थे बहुत बढ़िया होते थे, युग बड़े बहुत बढ़िया होते थे। आजकल कलयुग है, तो आजकल मैं ये बोध बोल देता हूँ भाई कुंडलियां नहीं मिलेंगी, आप लड़की पसंद करके आइए, कुंडली मैं मिलाऊँगा, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे दो उपाय दूंगा तो कुंडली भगवान करे मिल जाए। लेकिन आजकल कुंडलियां अगर मिलाने की कोशिश करोगे 99% कुंडलियां नहीं मिलती, इसलिए फिर तो बंदों के मैरिज ना हो किसी की, तो इसलिए मैं कुंडलियां मिलाने को स्पेशल मना करता हूं, किसी ने कुंडलियां नहीं मिलानी। आप पसंद कीजिए, जब आपको वर पसंद आए, बहू पसंद आए, तो मेरे पास आ जाइए, कुंडली मैं मिलाऊंगा, उसका अगर मंगलिक हुआ तो भी दोष दूर कर दूंगा, अगर कुछ भी हुआ तो दोष दूर कर दूंगा। एक शादी के वक्त छोटे छोटे उपाय होते हैं, ताकि आप जब लावा फेरे लेते हो उस वक्त किया हुआ उपाय पूरी जिंदगी साथ चलता है भाई। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त का उपाय, जिस वक्त शादी होती है उस वक्त के उपाय अगर किए जाएं तो पूरी लाइफ वो साथ चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप लड़की पसंद कीजिए, कुंडली मैं मिलाऊंगा, जब आप रिश्ता पक्का करके फिर मेरे पास आना, मैं तो सबको ये बात बोलता हूं। हाँ, अगर ज़्यादा वहम करते हो तो कुंडली दिखा लीजिए, उसके उपाय मैं आपको पहले से बता दूंगा। बातों में बात आई तो एक बात मैंने बोली, एक बंदा मेरे पास आया, कहता प्रोफेसर साहब हमारे डॉक्टर साहब, मेरे बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर साहब ने प्रश्न बताया था, तो हम प्रश्न के थ्रू आ गए। जब कभी भी डॉक्टर आपको प्रश्न बताता है, भी ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होता तो एक फोन मार के आप डेट तो निकली होती है, टाइम जरूर निकाल लीजिए, बच्चा बाप के ऊपर तो नहीं भारी, बच्चा माँ के ऊपर तो नहीं भारी, नानकों के ऊपर तो नहीं भारी, दादकों के ऊपर तो नहीं भारी, बच्चा खुद के ऊपर तो नहीं भारी, बच्चा गंडमूल में तो नहीं है, मंगलिक तो नहीं है, कुछ दोष तो नहीं है, अष्टम का दोष तो नहीं लग रहा, कहीं जॉब तो नहीं मिल रही। ऐसे कुंडली अगर आप बच्चे की निकाल के बच्चा पैदा होता है, अगर प्रश्न से ही होना है तो फिर क्या बात है, जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाता है वैसे वैसे आपका भाग्य भी खुलता जाता है। तो ये बातों में बात आई बच्चे की, तो मैंने पूरी की, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था अगर हमें डॉक्टर बोल दे ये ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे पेट में भी शरारतें करने नहीं हटते, वो अपना नड़ुआ गले में पूरा लपेट लेते हैं, जब माँ को बाहर बच्चा खींचा चला जाता तो उसकी गर्दन दब जाती है, तो इसी हालात पे ऊपर डॉक्टर बोल देते हैं ऑपरेशन कराना जरूरी है। जब कभी ऑपरेट किए आपको लगे तो टाइम निकालना बच्चे का मत भूलिए, बच्चे का टाइम निकालना आपके पूरे खानदान के लिए और माँ बाप के लिए, खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखनी है आपने। और दूसरी रही बात आपकी,
मार्केश की अगर राशि कहीं भी पड़ी है तो समझ लीजिए, अगर वो राशि अच्छे घर में पड़ी है तो मार्केश का असर कम होता है, अगर वो राशि मार्केश में ही पड़ी दूसरी राशि या किसी बुरे घर में पड़ी है तो मार्केश का असर 100% होता है। मार्केश हमेशा मार्केश ही रहता है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन उपाय बहुत सिंपल साधारण से होते हैं, वो मैं सबको बताता ही रहता हूँ कुंडली के मुताबिक। लेकिन कोशिश कीजिए, बाधक कभी मत भूलिए, मार्केश कभी मत भूलिए। 6, 8, 12 में ग्रह आ जाए तो बहुत ख़राब होते हैं, वो भी मत भूलिए। बहुत आसान उपाय होते हैं, ऐसे मैं आप सबको उपाय बताता रहूँगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात आती है कि अभी आपने बताया मार्केश, अगर प्रोफेसर साहब कुंडली में दशा महादशा भी बहुत मैटर करती है कि अगर मार्केश की ही दशा आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा ही होगा। शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। राशियां दो होती हैं, जहां पे ग्रह बैठा होता है पहली राशि वो असर करती है, दूसरी राशि वो असर करती है जी। मार्केश, अगर आपका मार्केश कमज़ोर पड़ा है, जैसे 1-2 डिग्री का मार्केश पड़ा है, मार्केश की दशा आती है तो कभी बुरा नहीं होता, वो बुरा फल ज़्यादा नहीं करता। अगर मार्केश स्ट्रांग होकर बैठा है, 16-17 डिग्री का होकर बैठा है, फिर ज़रूर तंग करेगा आपको। डिग्री मत भूलिए, दशा महादशा जब भी आती है तंग तो करती है, लेकिन देखना वो ज़्यादा तंग कर रहा है या कम तंग कर रहा है। तो सिंपल उपाय होते हैं, उपाय तो सबको पता ही है, मेरे उपाय बहुत आसान होते हैं, तो ऐसे उपाय मैं आपको देता रहूंगा कुंडली के मुताबिक, वो कुंडली के मुताबिक बनता है। लेकिन मार्केश हमेशा मार्केश ही होता है, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान उपाय होते हैं। लेकिन वो देखिए वो कितनी डिग्री का पड़ा है, अगर ज़्यादा डिग्री का पड़ा है तो उसका इलाज हो जाता है, अगर कम डिग्री का पड़ा है तो इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया लोगों के मन में जो वहम चल रहा था, जो अनचाही बातें चल रही थी मार्केश को लेकर कि वो कुंडली में अच्छा प्रभाव देता है या बुरा प्रभाव देता है, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। बाकी आप अपनी कुंडली के बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप भी किसी बात से परेशान हैं, दशा महादशा से परेशान हैं, या अपनी कोई परेशानी से परेशान है, या कुंडली के ग्रहों से रिलेटेड परेशान है, तो आपकी स्क्रीन के जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कहीं दूर देश विदेश में बैठे हैं आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप कहीं मिस कर जाएं, आपने कभी रात को देखना हो, कभी जल्दी, कभी मन हो कि प्रोफेसर साहब की बातें जो है वो सुननी है, तो आपके लिए YouTube एकमात्र साधन है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप जब मर्जी चाहे उसे देख भी सकते हैं। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।